वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, सबको स्वागत और हार्दिक बधाई। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। शुरुआत के मैं इस छोटा सा टॉपिक के साथ जुड़ा हूं इस ब्लॉग में, क्योंकि काफ़ी सारे ब्लॉग से मैंने अलग अलग से दिखाने के लिए कोशिश किया। और साथियों देखिए कि इस ब्लॉग में मैंने रायो ड्रिल यानी दंगाई से निपटने के लिए आर्म फोर्सेस को कैसे सिखलाई दिया जाता है, लाठी लेकर एडवांस और लाठी के साथ जो कार्रवाई और लाठी चार्ज की नमूना की शुरुआत में कैसे किया जाता है, उस ब्लॉग में मैंने जुड़ने का कोशिश किया। साथियों देखते होंगे हमारे राज्य या देश में, इसके अलावा बहुत सारे कंट्रियों में भी आज दिन प्रतिदिन दंगाइयों और रायोटी की बहुत मात्रा में बढ़ चुके हैं। इससे निपटने के लिए सरकार और हमारी आर्म फोर्सेस और बाकी सारे संस्थाओं को इस सारे समस्याओं से दूर करने के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण और इक्विपमेंट को दिया जा रहा है। ये सारे सुविधाओं से निपटने के लिए कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, उसका छोटा सा नमूना के साथ शुरुआत में क्या क्या कार्रवाई किया जाता है आर्म फोर्सेस को, मैंने इस नमूना के साथ दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दिखाई देते हैं कि एक हमारा गुरुजी की नमूना और प्रदर्शन से एक डेमोंस्ट्रेट किया जाता है, ताकि अच्छा आसानी से बाकी सारे सिखलाई लेने वाला शिक्षार्थी हो उसको अध्ययन कर सके और नमूना के साथ नकल कर सके। इस एडवांस और टैकल अप करने के लिए जो सारे जी टैक्टिक्स की जो अपनाया जाता है, सामानों को साथ लाठी और सील बाकी सारे शरीर की प्रोटेक्टिविटी कुछ लगाकर यहाँ पर सिखलाई में देखा जाता है। ये प्रशिक्षण को अच्छी तरीके से दिया जाए, ताकि हर व्यक्ति और हर सारे जो आर्म फोर्सेस के शिक्षित में शामिल होने वाला सभी व्यक्ति उसे आराम से सीखे और आगे जाकर अपना एडवांसेस होकर देश के राज्यों की जो दंगाओं पर फंसने वाली है निपटने के लिए इसी कार्रवाई के आखिरी में एडवांस होने के लिए प्रशिक्षण में दिया जाता है।